हेलो एंड वेलकम डियर फ्रेंड्स, आप सभी का आरबी कैंपस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम महान लोगों के कथनों और नारा के बारे में बात करेंगे। यह वीडियो एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इससे पहले मैं इस विषय में एक और वीडियो बना चुका हूँ जिसको आप देख सकते हैं, यह दूसरा पार्ट है। फ्रेंड्स, अगर आप सभी को वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ कमेंट करें। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं वीडियो। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, इससे पहले इसका पार्ट वन आ चुका है, तो उसमें मैंने 37 नारा करवाया था। इस वीडियो में हम उससे आगे करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। 38वें नंबर पर, न किसी की आँख का नूर हूँ, न किसी के दिल का करार हूँ, जो किसी के काम ना आ सके या फिर आ सका, मैं वो बूझता हुआ चिराग हूँ। यह बहादुर शाह जफर का कथन है। इसके बाद 39वें नंबर पर, सारी प्रजा मेरी संतान है, यह धौली अभिलेख से लिया गया है। इसके बाद, गंगा की घाटी का सारा धन चूस कर वे यानी अंग्रेज थेम्स नदी की घाटी में निचोड़ देते हैं, यह जॉन सुलविन का कथन है। इसके बाद, मुगल काल में मध्य वर्ग यानी बुद्धिजीवी बहुत कम था, यह मोरलैंड का कथन है। इसके बाद, जब महिलाओं पर अत्याचार चलता रहेगा यानी जब तक महिलाओं पर अत्याचार चलता रहेगा तब तक भारतीय पुरुषों को यह अधिकार नहीं कि वे भारत के शासन का प्रबंध अपने हाथों में लें, यह वेब मिलर का कथन है। इसके बाद 43वें नंबर पर, संपूर्ण क्रांति, यह जयप्रकाश नारायण का कथन है। इसके बाद, जनगण मन अधिनायक है, यह रविंद्रनाथ टैगोर का कथन है, जो हमारे देश के राष्ट्रगान के रचयिता हैं। इसके बाद, जो काम 50,000 हथियारबंद सिपाही ना कर सके वह काम गांधी जी ने कर दिखाया, यह लॉर्ड माउंटबेटन का कथन है। उसके बाद, मुगल शासकों में बहादुर शाह प्रथम अंतिम सम्राट था जिसके संबंध में कुछ अच्छे कह सकते हैं, यह ओवन सिडनी का कथन है। इसके बाद 47वें नंबर पर, आज कुफ्र का दरवाज़ा टूट गया, यह जसवंत सिंह का कथन है। इसके बाद 48वें नंबर पर, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, यह श्यामलाल पार्षद का कथन है। इसके बाद 49वें नंबर पर, जहांगीर के पास कबूतरबाजी के लिए 10,000 कबूतर थे, यह हॉकिंस का कथन है। इसके बाद 50वें नंबर पर, बलबन की मृत्यु पर लोगों ने कपड़े फाड़े और शोक मनाया, यह बर्नी का कथन है। इसके बाद 51वें नंबर पर, भारत में शूद्रों और वैश्यों की आर्थिक स्थिति में कोई अंतर नहीं है, यह अलबरूनी का कथन है। इसके बाद 52वें नंबर पर, इतिहास समाज में सन्निवेशित मानवीय अनुभवों की कहानी है, यह रेनियर का कथन है। इसके बाद 53वें नंबर पर, अकबर का मकबरा एक महान भारतीय शासक का पुण्य स्मारक है, यह हैवेल का कथन है। इसके बाद 54वें नंबर पर, तुर्कों की विजय में क्रमशः शहरी क्रांति और ग्रामीण क्रांति को जन्म दिया, यह प्रोफेसर हबीब का कथन है। इसके बाद 55वें नंबर पर, लिपि ज्ञान के पूर्व किसी क्षेत्र देश राष्ट्र मानव का इतिहास ही प्रागैतिहास है, यह HD संकालिया से लिया गया है। इसके बाद 56वें नंबर पर, मौर्यकालीन नावों पर राज्य का एकाधिकार था, यह स्ट्रैबो ने कहा था। इसके बाद 57वें नंबर पर, स्थानीय पश्चिमी देशों से सुरा व सुंदरियों का आयात किया जाता था, यह नाविक यार का कथन है। इसके बाद, गौरी पृथ्वीराज को अजमेर ले गया जहां उसने गौरी के अधीन कुछ वर्षों तक
राज्य किया, यह हसन निजामी का कथन है। इसके बाद 59वें नंबर पर पाटलिपुत्र का अवसान हो गया और उसकी समृद्धि कन्नौज में चली गई, यह वेनसांग का कथन है। इसके बाद 60वें नंबर पर अनेक हिंदू जुलूसों के रूप में गीत गाते ढोल बजाते मेरे महल के पास से गुजरते हुए मूर्ति विसर्जन को जाते हैं, परंतु मैं कुछ नहीं कर पाता हूँ, यह जलालुद्दीन खिलजी का कथन है। इसके बाद 61वें नंबर पर इसने यानी अलाउद्दीन खिलजी ने इतने निर्दोष रक्त बहाए जितने मिस्र के फराओं यानी शासकों ने भी नहीं बहाए थे, यह बर्नी है यानी बर्नी का कथन है, सॉरी यहाँ मिस्र नहीं मिस्र देश है। इसके बाद 62वें नंबर पर सुल्तान को प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई, यह बदायूनी का कथन है। इसके बाद 63वें नंबर पर अफगान टिड्डी के झुंड की भांति भारत की ओर चल पड़े, यह अब्बास खां शेरवानी का कथन है। इसके बाद यदि मैं अपने गुलाम को भी पालकी में बिठा दूं, तो मेरे आदेश पर मेरे सारे सरदार उसे अपने कंधों पर उठा ले जाएंगे, यह सिकंदर लोदी का कथन है। इसके बाद 65वें नंबर पर जो भी ईश्वर को प्राप्त करना चाहता है वे मेरे पास आए, मैं उनको ईश्वर तक पहुंचाऊंगा, यह शाह अब्दुल्ला सत्तारी का कथन है। इसके बाद 66वें नंबर पर हिंदुस्तानियों ने मुझसे खुलकर दुश्मनी निभाई, जिधर भी मेरी सेना गई हिंदुस्तानियों ने अपने घरों को जला दिया तथा कुओं में जहर डाल दिया, यह बाबर का कथन है जो भारत में पहला मुगल शासक था। इसके बाद 67वें नंबर पर महाराणा प्रताप की देशभक्ति ही उनका अपराध था, यह स्मित का कथन है। इसके बाद 68वें नंबर पर मैं शिवाजी को हिंदू प्रजाति का अंतिम रचनाकार प्रतिभा संपन्न व्यक्ति तथा राष्ट्र निर्माता मानता हूँ, यह यदुनाथ सरकार का कथन है। इसके बाद 69वें नंबर पर रियायत की अनुमति कर निर्धारण के समय दी जा सकती है, कर वसूली के समय नहीं, यह शेरशाह सूरी का कथन है। इसके बाद 70वें नंबर पर मुसलमान मूर्ख थे जो उन्होंने सुरक्षा की मांग की, और हिंदू उनसे भी मूर्ख थे जो उन्होंने उस मांग को ठुकरा दिया, यह अबुल कलाम आज़ाद का कथन है। इसके बाद 71वें नंबर पर भारत भारतीयों के लिए है, यह आर्य समाज का कथन है। इसके बाद 72वें नंबर पर सुख में सुमिरन सब करे दुख में करे न कोय, यह कबीरदास जी के दोहे से लिया गया है। इसके बाद 73वें नंबर पर हम मानवता को वहाँ ले जाना चाहते हैं जहाँ न वेद है न कुरान और न ही बाइबिल, यह स्वामी विवेकानंद जी का कथन है। इसके बाद 74वें नंबर पर पुरुषों के लिए युद्ध वही है जो स्त्रियों के लिए मातृत्व है, यह मुसोलिनी का कथन है। फ्रेंड्स, यह वीडियो यहीं समाप्त होती है। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आई हो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ कमेंट करें, और अगर आप आरबी कैंपस चैनल पर नए हैं या फिर आपने आरबी कैंपस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आरबी कैंपस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि इस चैनल पर आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। मिलते हैं अगली वीडियो में, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।